तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में क्लियन मर्फी, जो कि क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्टेड ओपनहाइमर मूवी पे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने ये रिवील किया है कि उन्होंने इस मूवी को और जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की थिंकिंग को अच्छे से समझने के लिए भगवत गीता को पढ़ा है। और अगर आपने ओपनहाइमर की और भी वीडियोस देखी होगी तो उसमें से एक वीडियो ये भी आपने देखा होगा जहां पर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर भगवत गीता को मेंशन किया है कॉन्सोलेशन माना है अपने एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले जर्नी के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्लियन मर्फी का ये स्टेटमेंट क्या एक तरीका है इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने का, या फिर सीरियसली उन्होंने भगवत गीता पढ़ा है? बट जो भी हो, ये तो कुछ फैक्ट्स में से एक फैक्ट थी जो कि ओपनहाइमर मूवी से टूट टूट के बाहर आ रही थी। उसी तरह से जैसे एक फैक्ट ये भी है कि जिस फॉर्मेट में क्रिस्टोफर नोलन ने इस पूरी मूवी को रिकॉर्ड किया है, यानी कि IMAX 70mm, अगर आप इसे उसी तरीके से देख पाओ जैसे क्रिस्टोफर नोलन ने रिकमेंड किया है, तो आप उन कुछ रेयरेस्ट पीपल में से एक बन जाओगे जिन्होंने इन्हें उस तरह से एक्सपीरियंस किया है। खैर आगे चल के बात करें तो इस मूवी पे ऑलमोस्ट एक रियल एटॉमिक बॉम्ब बना डाला था क्रिस्टोफर नोलन ने, क्योंकि स्टार्टिंग पे उन्होंने ऑफिशियल से परमिशन लिया था कि एक एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हुए हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो मना कर दिया था। तो फिर क्रिस्टोफर नोलन ने कहा कि चलो यार हम खुद ही एक एटॉमिक बॉम्ब बना लेते हैं। और इससे भी बढ़कर क्रिस्टोफर नोलन ने ये भी रिवील किया कि यहाँ पर इस मूवी पे आपको एक भी CGI का शॉट देखने को नहीं मिलेगा, आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे स्क्रीन पे वो सब का सब रियल। एक फन फैक्ट ये भी है कि हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन ने एक यूट्यूबर को शो करते हुए ये बताया कि ये पूरी की पूरी मूवी 3 आवर्स लंबी होने वाली है, और इसकी पूरी की पूरी रील ऑलमोस्ट 3 माइल्स या फिर ये कहे तो 5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है अगर हम उसे खोल कर सीधा कर दे तो। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि ये डायरेक्टर अपने क्रिएटिविटी पे कितना ज्यादा डूब चुका है कि इसे पॉइंट टू पॉइंट परफेक्शन चाहिए। और यही बात करें बार्बी की, तो ये मूवी पूरी की पूरी $140 मिलियन पे बनी, और बार्बी की एडवर्टाइजमेंट टीम ने ऑलमोस्ट $100 मिलियन जस्ट एडवर्टाइजमेंट में ही स्पेंड कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर ओपनहाइमर की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने 0 कुछ भी नहीं किया, वो हर हफ्ते क्लियन मर्फी की एक न्यू फोटो रिलीज कर दे रहे, और उसी को देख के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे, और यही एक रीजन है कि जिसके वजह से बार्बी और ओपनहाइमर को कंपेयर किया जा रहा है, जो कि मुझे तो देखने में बहुत मजा आ रहा है। बट इंडिया में कोई उतना ज्यादा ओपनहाइमर को लेकर बात नहीं हो रही है, शायद वो उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस मूवी को लेकर, लेकिन ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसको आपको लाइफ में एक बार तो जरूर से थिएटर पे जाके एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ओपनहाइमर या फिर बार्बी कौन सा मूवी सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाएगी?